स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का क्लास क्या है? सिलॉक्स का। और मेरा मेन टारगेट है और ये पहला टॉपिक है, मैं 10-12 टॉपिक दो दिन के अंदर सब कुछ कवर अप कर दूंगा रीजनिंग और मैथ के, और सारे के सारे क्वेश्चन यही रहने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करना, आप कोशिश करना ना पहले कि आप कॉपी में या किसी नोट्स बुक में इसको नोट्स कर लो, ठीक है, कि सारे क्वेश्चन यही रहेंगे और आपका मेन टारगेट यह है कि 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन एग्जाम में कर निकल जाना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा आप लोग। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। कुछ पॉइंट आपको बोल दूं पहले, वो आप याद रखना। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है सम। जैसे अगर सम में दिखाई दे एटलीस्ट, तो मतलब क्या हुआ? आपका हुआ सम। और कैन बी का मतलब क्या होता है? कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब हो सकता है क्या, तो पॉसिबिलिटी हुआ ना। ये दो चीज आप याद रखना। और एक चीज, अभी एग्जाम में क्या देखा गया, कैन बी, नेवर या फिर पॉसिबिलिटी वाले केस ज्यादा आए थे। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप पॉसिबिलिटी वाले केस सम करते हैं ना, तो ये बात याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी मतलब क्या, आपको से पूछ रहा है ऐसा हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, ड्रॉइंग दिखाना, हाँ हो सकता है। लेकिन आप जैसे ही बोलते हैं हाँ हो सकता है, आप दिखा रहे हो, लेकिन हो सकता है के साथ साथ आपका स्टेटमेंट भी उस हो सकता वाला है केस में सही होना चाहिए। यानी कि आप पॉसिबिलिटी केस बनाओ, लेकिन उस केस में स्टेटमेंट मेरा सही होना चाहिए, स्टेटमेंट मेरे हर केस में फॉलो करना चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको नॉर्मल बताता हूं। अगर आपके पास दिया है सम ए इज बी, ठीक है, अब बोला All B is, A is possibility. ये conclusion था. Statement क्या था? Sum A is B. अब conclusion क्या है? All B is, A is possibility. यानी पूरा का पूरा जो B है, वो A हो सकता है क्या? हम बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है. Possibility कैसे? ऐसा हो सकता है. अब देखो statement भी मेरा सही है. Sum B is A. All B is A है. लेकिन all में ही तो sum है ना? तो स्टेटमेंट भी अभी भी हमारा सही है, सम बी इज ए, यानी स्टेटमेंट भी सही है, पॉसिबिलिटी केस भी फॉलो कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी हमारा सही है। ये नॉर्मल आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपके पास क्वेश्चन रखता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? सम ए इज बी। अब फटाफट मेरे हाथ में पेन है, क्या करेंगे? सम ए इज बी, ये तो बनाएंगे ना। अब क्या है? सम बी इज सी, यानी कि कुछ जो बी है वो क्या है? सी है। अब बोला नो ए इज डी, यानी ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, अब कोई रिलेशन नहीं है, तुम अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास जो कंक्लूजन है वो क्या है? ऑल बी कैन बी, डी इज पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा बी जो है वो डी हो सकता है क्या? पूरा का पूरा बी, ऑल बी, पूरा का पूरा बी डी हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ये जो बी है ऐसे आ सकता है क्या? हम बोलेंगे नहीं आ सकता। आप बोलोगे भैया क्यों नहीं आ सकता? अगर पॉसिबिलिटी केस पूरा का पूरा बी ऐसे किए, ऑल बी कैन बी डी इज पॉसिबिलिटी, तो देखो ये तो पॉसिबिलिटी केस तो हम दिखा दिए, लेकिन इसके साथ साथ हमको स्टेटमेंट भी तो अपना सही रखना पड़ेगा ना। और स्टेटमेंट में था क्या? सम ए इज बी, तो ये भी दिखाना पड़ेगा सम ए इज बी। लेकिन आपको बोल दिया गया था ए और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, नो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? ए और डी का रिलेशनशिप बन जा रहा है, तो पूरा का पूरा बी उठकर डी के अंदर नहीं आ सकता। अगर पूरा का पूरा बी उठकर डी के अंदर आया, तो ए भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा डी से, तो ये पॉसिबिलिटी केस फॉलो नहीं करेगा। अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं इस बार अरबी क्लर्क में आप लोग अच्छे से एग्जाम दो प्लीज। तो पहला वाला तो फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरा वाला क्या है? ऑल डी इज सी इज पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा डी जो सी हो सकता है क्या? ऑफकोर्स, अगर ये जो डी है को मैं उठाकर क्या करूं, इसके अंदर रख दूं, ऑल डी इज सी इज पॉसिबिलिटी, तो हम बोलेंगे 100% फॉलो करेगा, ऐसा तो हो ही सकता है ना। और मेरा स्टेटमेंट भी देखो अभी भी सही है, सम ए इज बी, सम बी इज सी, और नो ए इज ए, और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अभी भी सही है।
तो स्टेटमेंट भी सही है अभी भी और पॉसिबिलिटी केस भी फॉलो कर जा रहा है, तो हमारा दो नंबर सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, इससे एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास दो नंबर क्वेश्चन है क्या, ऑल ए इज डी, मतलब आपको बोल रहा है ऑल ए इज डी, तो क्या होगा, ऑल ए पूरा का पूरा जो ए है वो क्या है, डी है। ठीक है ना, अच्छे से देखना इस चीज को। अब क्या बोल रहा है, ऑल ए इज डी सम ए इज नॉट बी, यानी कि कुछ जो ए का पार्ट है ना वो क्या है, सम ए, मतलब कुछ ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, सम ए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सम सी इज नॉट ए, यानी कि ये हमारा सी है। अब सम सी नॉट सम ए, सम सी इज नॉट ए, यानी जो एरो है ऐसे होगा, मतलब सम सी इज नॉट ए। ठीक है, ये बोल रहा है। अब आपके पास जो कंक्लूजन है वो क्या है, सम ए इज नॉट सी, मतलब सम ए इज नॉट सी, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे भैया सम सी इज नॉट ए, तो इसका मतलब यही हो गया ना, सम ए इज नॉट सी, स्टेटमेंट में बोला क्या है आपको कि कुछ जो पार्ट सी का है वो ए नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है ना कि ए का पार्ट सी नहीं है। सम नॉट वाला केस को अच्छे से समझना, अगर बोले सम सी इज नॉट ए, ठीक है, स्टेटमेंट में, और आपको कंक्लूजन पूछ दे सम ए इज नॉट सी, तो आप बोलोगे ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, रिवर्स वाले में ये गलत होता है। ठीक है, याद रखना, अगर स्टेटमेंट में क्या बोला सम सी इज नॉट ए, लेकिन पूछा क्या आपसे सम ए इज नॉट सी, आपको लग रहा दोनों इक्वल है, सम सी इज नॉट ए, सम इज नॉट सी, लेकिन नहीं, ये इक्वल नहीं है। आपको स्टेटमेंट में बोला है कि कुछ सी का पार्ट ए नहीं है, ऐसा नहीं बोला है कि कुछ ए का पार्ट सी नहीं है, तो ये याद रखना, ये सम नॉट वाला केस अच्छे से। डी इज ए इज पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा डी, और डी इज ए इज पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा डी जो है वो ए के अंदर जा सकता है क्या, सॉरी ये डी होगा ना, और डी इज ए इज पॉसिबिलिटी, यानी ये डी बाहर से रब हो जाएगा, अंदर क्या चल जाएगा, और डी, और D is A is possibility, नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा जो स्टेटमेंट था क्या था, All A is D, फिर वो गलत हो जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट भी सही रखना है और कंक्लूजन भी सही रखना है। ठीक है, तो इस वाले केस में पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि D A के अंदर नहीं जा पाएगा, अगर जाता है तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, नो फ्लाइट इज बैटल, यानी कि नो फ्लाइट, नो फ्लाइट एफ बोलते हैं, नो फ्लाइट इज बैटल, यानी फ्लाइट और बैटल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो। फिर क्या बोला है, ऑल बैटल आर वार, यानी पूरा का पूरा जो बैटल है वो क्या है, वार है, डब्ल्यू है। फिर क्या बोला है, सम वार इज क्वेरल, यानी कुछ जो वार है वो क्या है, वो क्वेरल है। ठीक है ना, ये मेरा डायग्राम बन गया फटाफट। अब क्या बोल रहा है, ऑल फ्लाइट कैन नेवर बी वार, ऑल फ्लाइट मतलब पूरा का पूरा फ्लाइट कभी वार नहीं हो सकता, ये बोल रहा है, पूरा का पूरा फ्लाइट, ऑल फ्लाइट कैन नेवर बी वार, पूरा का पूरा फ्लाइट कभी भी वार नहीं हो सकता। ये सही है या गलत है, हम बोलेंगे बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यार पूरा का पूरा फ्लाइट वार भी हो सकता है ना। देखो, अगर पूरा का पूरा फ्लाइट को उठाकर यहां पर रख दे, ठीक है, और फिर भी मेरा स्टेटमेंट अभी सही है। देखो आप पूरा का पूरा उठा दिए, आपको बोल क्या रहा है, ऑल फ्लाइट कैन नेवर बी वार, मतलब पूरा का पूरा फ्लाइट कभी वार नहीं हो सकता। सही है गलत है, हम बोलेंगे गलत है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लाइट वार हो सकता है, और ऐसे अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी के साथ अगर हो सकता है, तो मेरा स्टेटमेंट भी अभी भी सही है। देखो क्या है, नो फ्लाइट इज बैटल, अभी भी फ्लाइट और बैटल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अभी भी स्टेटमेंट सही है। फिर क्या बोला, ऑल बैटल आर वार, ऑल बैटल आर वार, अभी भी सही है। सम वार इज स्क्वायर, देखो अगर फ्लाइट को उठाकर यहां रखते भी है, फिर भी हमारा क्या स्टेटमेंट भी सही है, पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, लेकिन ये क्या बोला कंक्लूजन में, नहीं हो सकता क्या, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, हो सकता है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब सॉरी एक और था ना, नो बैटल स्क्वायरल, अच्छा सॉरी मैं फटाफट ड्राइंग आपको बना दे रहा हूं, नो फ्लाइट इज बैटल, ऑल बैटल आर वार, सम वार वाज स्क्वायरल। ठीक है, अब नंबर टू क्या बोला है, नो बैटल इज क्वेरल, नो बैटल इज क्वेरल, नो बैटल इज क्वेरल। अच्छा, स्टेटमेंट में कहीं बोला है क्या कि बैटल और क्वेरल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और यहां पॉसिबिलिटी केस भी नहीं है।
हमको डायग्राम में दिख रहा है कि बैटल और क्वाडल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना बैटल और क्वाडल के बीच में रिलेशनशिप हो, जब तक स्टेटमेंट में क्लियर ना बोल दे नो, ये तो हिडन नो है ना, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्लियर तो नो स्टेटमेंट पे दिखाई नहीं दे रहा है तो ये गलत है, नो बैटल स्क्वायरल, यानी ये बोल रहा है कि बैटल और क्वायरल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्लियर बोल रहा है नो नो, लेकिन नो क्यों स्टेटमेंट में कहीं बोला है क्या नो? जब स्टेटमेंट में नो नहीं बोला है तो नो हम कैसे बोल सकते हैं? कुछ भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी कैसे फॉलो कर सकता है ना, लेकिन अगर आपको बोले स्टेटमेंट में नो ए इज बी, अगर स्टेटमेंट में बोल दे नो ए इज बी, अगर पॉसिबिलिटी कैसे बोले सम बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, तो हम बोलेंगे नहीं, जब स्टेटमेंट में ही नो बोल दिया तो कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी कैसे फॉलो करेगा, जब स्टेटमेंट में ही बोल दिया कि नो रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी कैसे नहीं फॉलो करेगा ना, वही केस अगर स्टेटमेंट में नो नहीं बोला है, नो नहीं बोला है इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच में नो है, जब तक स्टेटमेंट में क्लियर ना बोल दे कि नो, तब तक हम उस चीज को नो नहीं पकड़ सकते, तो सेम केस बोला नो बैटल स्क्वायरल तो ये फॉलो नहीं करेगा, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, हो भी सकता है जब तक स्टेटमेंट में नो ना बोल दे तब तक हम आपकी बात को सही नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑल ए इज बी, मतलब पूरा का पूरा जो ए है वो क्या है, ऑल ए इज क्या है, बी है, ठीक है। फिर क्या बोला है, नो बी इज सी, ठीक है ना, नो बी इज सी, यानी बी और सी क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोनों के बीच में क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, नो बी इज सी। अब क्या बोल रहा है, ऑल सी इज डी, यानी कि पूरा का पूरा जो सी है वो क्या है, पूरा का पूरा जो सी है वो डी है, ये था हमारा स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन क्या है हमारे पास, ऑल ए यानी ऑल ए इज सी इज पॉसिबिलिटी, बोल रहा है कि पूरा का पूरा जो ए है वो सी के अंदर आ सकता है क्या, पॉसिबल हो सकता है क्या? हम बोलेंगे भाई अगर पूरा का पूरा ए के ए अंदर आया सी के तो, और जो ए है वो किसके अंदर है, बी के, यानी कि बी भी ऐसे आएगा क्योंकि स्टेटमेंट भी हमको सही रखना है ना पॉसिबिलिटी केस फॉलो करने के लिए, तो अगर बी अंदर आता है लेकिन आपको स्टेटमेंट में बोल दिया गया है बी और सी के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अगर ए आएगा तो बी भी सी से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमको बी और सी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है क्योंकि क्लियर स्टेटमेंट में बोल दिया गया है कि नो रिलेशन, तो ए उठकर सी के अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अगर ए आया तो बी भी आएगा और लेकिन बी और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब दो नंबर देखो क्या बोला है, ऑल सी कैन नेवर बी ए, ऑल सी कैन नेवर बी ए, पूरा का पूरा जो सी है वो कभी ए नहीं हो सकता, मतलब पूरा का पूरा सी कभी ए नहीं हो सकता, सही बोल रहा है, ऑल सी कैन नेवर बी ए, क्यों, अगर पूरा का पूरा सी ए हुआ तो क्या होगा, ये बी के अंदर जाएगा और बी और सी के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, तो सही बोल रहा है ना कि पूरा का पूरा सी कभी ए नहीं हो सकता, तो दो नंबर का क्वेश्चन क्या है, सही है। अब क्या बोला है, सम डी, कुछ जो डी है वो ए हो सकता है क्या, सम डी इज ए इज पॉसिबिलिटी, सम डी कुछ जो डी का पार्ट है वो ए हो सकता है क्या, हम बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे, अगर मैं यहां डी पुट करूं, सम डी, सॉरी अगर मैं ऐसे बोलूं ये डी है, सम डी इज ए इज पॉसिबिलिटी, हो गया। अब हमारे पास डी के अंदर क्या था, सी, सी यहां लगा दिए, तो देखो अभी भी हमारा स्टेटमेंट सही है, ऑल ए इज बी नो बी इज सी, नो बी इज सी, अच्छा नो बी इज सी, देखो फिर भी सही है, बी और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, देखो ये अंदर है इसके ये बाहर है, नो बी इज सी, और देखो ऑल सी आर डी, पूरा का पूरा सी है वो डी के अंदर है, तो अभी भी क्या है हमारा स्टेटमेंट सही है, तो सम डी इज ए हो सकता है, ठीक है, तो दो नंबर और तीन नंबर फॉलो करेगा, लेकिन पहला वाला फॉलो नहीं करेगा, पूरा का पूरा जो ए है वो सी के अंदर नहीं आ सकता है। तो ये जो मैंने चार आपको करवाए हैं ना, इसको आप अच्छे से देखना और कहीं नोट्स कर लेना, क्योंकि आप टारगेट लेकर चलो इसके अंदर से ही आने वाले हैं, और 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं, मैं एक एक टॉपिक आपको करवाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके आरआरबी असिस्टेंट में, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 80 में 65 आप अटेम्प्ट कैसे करो। सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू।